कैसे जनाब करिए सर, क्या क्या कीमत क्या है? सुना है कट्टू माल भी आ रहा है आजकल। हाँ, ये कट्टू माल नहीं है, ये पालने वाला कुर्बानी वाला है। हाँ, ये पालने वाला है। कट्टू जैसा क्यों लग रहा है? नहीं माशाल्लाह, अभी बच्चा है ना, बच्चा ही है। हाँ, दो टॉप हो गया। सुनने में मार्केट में लोगों ने बताया कि आप अभी भी घूंगे बने कैमरे को देख के, ऐसी है? सच्ची बात है? अरे वो बात करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाँज़ेब जमशेद। आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। और जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, दिल की गहराइयों से आदाब और रिस्पेक्ट व्यूवर्स। आप लोग के साथ एक प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि रिसेंटली हमने एक बकरी का बच्चा परचेज़ किया था, जो आपके साथ शेयर किया था। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स से हमने कहा था कि आप लोग हमें कमेंट्स में बताया कि हमने कितने का परचेज़ किया हुआ। आज इंशाल्लाह उसकी कीमत भी बताएंगे। और सबसे पहले उस बकरी के बच्चे के पास लेके चलता हूँ, बताता हूँ उसको रूटीन क्या। तो व्यूअर्स, इसकी डाइट बता देता हूँ आप लोगों को कि खाने पीने में थोड़ा थोड़ा सा स्नार्ट इसने स्टार्ट किया है। इसको लूसन देते हैं, बकरी का दाना देते हैं, और इसके अलावा जो दूध इसको पिला रहे थे 1.5 पाव, वो हम पिलाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिलावट करके पिला देते हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये इसका फीडर है, ये इसके लिए हमने एक फीडर भी लिया है और प्यार से इसका नाम बुम्बा रखा है। और देख सकते हैं कि फीडर को देख के कितनी स्पीड से आता है। तो देख सकते हैं व्यूअर्स के इसको देख के कितनी स्पीड से आता है। इसको पता है कि झुंझुना जो है इसकी आवाज़ आई है, समझता दूध मिलने वाला है। तो ये इसका फीडर है, इसको ऐसे करके पिलाते हैं क्योंकि अभी तो खाली है, सुबह का दूध पी चुका है। एक सुबह के टाइम पिलाते हैं इसको और एक शाम के टाइम पिलाते हैं। तो जिस मंडी से हमने परचेज़ किया था व्यूअर्स, उस मंडी में आपको विज़िट भी करवाया था। माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमारे चैनल पे, और मैंने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप लोग बताएगा कि हमें फर्दर इस किस्म के प्रोग्राम करने चाहिए नहीं। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने कहा कि नहीं आप लोग बताएं। तो व्यूवर्स, अभी इसकी उम्र जो है 1 महीने से ऊपर हो चुकी है, और देख सकते हैं इसे कान वन माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं। और क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, क्वालिटी आपके सामने माशाल्लाह बहुत मस्तियाँ करता है। साथ ऊपर रहो तो साथ साथ घूमता है। इसके अलावा अगर कोई इसको नीचे छोड़ कर चले आता तो सारा दिन छोड़ करता रहता है, यानी इसको 1 घंटा लाजमी देना पड़ता है दिन में। और आप लोग देख सकते हैं आप लोग के सामने इसकी सेहत है। तो देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से इसके दोनों कान चेक करें। माशाल्लाह कानों का साइज़ काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी में बिल्कुल प्योर है, ये गुलाबी नस्ल है। और देख सकते हैं सेहत माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी है। इसके अलावा बहुत खुश है ये, और मेरे ख्याल से जानवरों को इसी तरीके से रखना चाहिए कि जानवर के साथ अटैच रहें और जानवरों को टाइम दें। जितना जानवर खुश रहता है उतना अच्छा होता है, उतना सेहत अच्छी होती है, बीमारियों से महफूज रहता है। तो आप लोग जानवरों को ज़रूर टाइम दिया करें, देख सकते हैं माशाल्लाह से। और दिल खसूस व्यूवर्स, इनको रात के टाइम ठंड से बचाया करें, क्योंकि अभी तो कराची में ठंड बढ़ती जा रही है, तो रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। और देख सकते हैं अभी कि अगर कोई नीचे चले आता है तो फिर उसको बहुत अफसोस होता है, ये आवाज़ें मारता रहता है। तो रात के टाइम ठंड से बचाएं जानवरों को, जिस तरीके से हम इसको एक प्रॉपर कमरा दिया हुआ है और वहाँ पे बिल्कुल कवर करके रखते हैं ताकि ठंड से महफूज रह सके। आइए अब आप लोग को लेके चलते हैं बकरा मंडी। तो व्यूअर्स, आप लोग को लेकर आ चुके हैं न्यू कराची की सिंधी होटल की बकरा मंडी में। यहाँ पे विज़िट करवाएंगे, सबसे पहले आप लोग को बच्चों के पोर्शन में लेके जाएंगे, देखेंगे कि बच्चों के यहाँ पर कौन कौन से इस वक्त नस्ल के बच्चों क्या कीमत मिलती है। अच्छा, आप लोग को बता देता हूँ, जो हमने गुलाबी नस्ल का बच्चा लिया था वो हमने 15,000 की कीमत में लिया था। अब आप लोग हमें कमेंट्स में बताएगा कि हमने मुनासिब कीमत में लिया या महंगा लिया। ठीक है, चलें भाई आप लोग को विज़िट करवाता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोग को और भी दिखाना पसंद करूँगा। देख सकते हैं आप लोग के ये मंडी जो है, ये तकरीबन पूरे हफ्ते ही लगती है, लेकिन भरपूर तरीके से जुम्मे के दिन हमें मालूमात मिली थी कि जुम्मे के दिन ही भरपूर तरीके से मंडी लगती है। इसके अलावा एक दिन हमें और पता चला कि संडे के दिन ये भरपूर तरीके से लगती है, संडे और जुम्मे के दिन ये मार्केट लगती है। यहाँ पर ज़्यादातर छोटी नस्ल के बच्चे आते हैं, देख सकते हैं आप लोग। आज हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दुम्बे के बच्चे भी आए हुए हैं, और इसके अलावा बकरी के छोटे छोटे बच्चे इस जगह पर मिलते हैं। तो आइए कीमत लेते हैं, मालूमात लेते हैं क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? आप खैरियत से हूँ। ये बताएं कौन कौन सी नस्ल के लेकर आएंगे? ये लाड़काना नस्ल है। लाड़काना नस्ल है जी। अच्छा, कितनी कितनी उम्र में ये? ये अभी होंगे 2-2 महीने के। दो दो महीने के। कीमत क्या है? 1 के 22,000 रुपये। 1 के 22,000 रुपये। और कितने बच्चे लेकर आएंगे आप? ये 5 बच्चे लेकर आए। अच्छा, कहाँ से? खरीद के लेकर आ रहे हैं, पाल के लेकर आ रहे हैं? किस तरीके से लेकर आए हैं? हम खरीद के लेके आते हैं। खरीद के लेकर आते हैं। आपने कितने का खरीदा? ये नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते हैं, बस बेचने वाली कीमत बताएंगे। अच्छा, ये बताएं कि फाइनल कितने तक में देंगे? 14,000 14,000 में देंगे। और अगर कोई आपको 8-10,000 रुपये दे तो आप दे देंगे? नहीं। अभी मार्केट में क्या रेट लग गए? अभी 12,000
12,000-11,000 पे लग रहे हैं। 12,000-11,000 रुपये लग गए, आपने नहीं दिया? नहीं। चलिए नाम बता दें अपना, फ़ोन नंबर। नाम गुलाम नबी है। फ़ोन नंबर 03-18-633-5109। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमें कुछ बकरी के बच्चे नज़र आ रहे हैं, आइए मालूम करते हैं नस्ल ये जंगली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे जनाब, करिए सर, क्या क्या कीमत क्या है इनकी? मेरे को नहीं पता, भाई के हैं यार। आपको नहीं पता भाई कहाँ है? चाय पीने गए। अच्छा, आप चाय पीने नहीं गए? नहीं नहीं। क्यों? सिर्फ भाई चाय पीता है? सिर्फ भाई। क्यों, आप लोग का हक नहीं चाय पीना? नहीं यार। और क्या मांग क्या है ऐसे कुछ कीमत? 25,000 रुपये। नस्ल कौन कौन सी है? कामोरी नस्ल है। कामोरी नस्ल है। और फाइनल कितने में देना है? ये फाइनल 18,000। 18,000 में देना है, ठीक है। अपना नाम बताएं, फ़ोन नंबर बताएं। सोहेल। फ़ोन नंबर 03-11-268-6380। हेल्दी है ना सारे? सेहतमंद है? कोई बीमार तो नहीं है? नहीं नहीं, नहीं कोई। अगर कोई बीमार हुआ तो? कोई बीमार नहीं है भाई, अभी बीमार हुआ तो हमारी गारंटी है यार। गारंटी है, सांस की गारंटी नहीं दे सकते, बाकी चीज़ की गारंटी हम देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अच्छा, मुझे इनकी उम्र भी बता देगा, इनकी उम्र कितनी? तकरीबन 2.5-3 महीने के भाई। 2.5-3 महीने के हैं, ठीक है। 25,000 रुपये आप मांग रहे हैं जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। कौन कौन सी बकरियां लेकर आ गई? ये कमोरी बकरी। सुना कट्टू माल भी आ रहा है आजकल? हाँ, ये कट्टू माल नहीं है, ये पालने वाला कुर्बानी वाला है। हाँ, ये पालने वाला है। कट्टू जैसा क्यों लग रहा है? नहीं, माशाल्लाह अभी बच्चा है ना। बच्चा ही है। हाँ, दो दाग नस्ली बन जाएगा। बचपन में कट्टू है, बड़ा होकर नस्ली। कट्टू नहीं है। अच्छा, कट्टू नहीं है। क्या कीमत है इसकी? इसका फाइनल जो 30,000 है। 30,000 मांग रहे हैं। नस्ल कौन सी बता रहे हैं? कमोरी। कमोरी नस्ल है। कामोरी नस्ल है। प्योर क्रॉस है ये? नहीं नहीं, क्रॉस नहीं है, प्योर। दांतों में कितनी है? खीरा बच्चा अभी तो। खीरा। उम्र कितनी है, उम्र बताएं? ये 8 माह का है। 8 माह का है। बकरी है? नहीं, बकरा है। बकरा है, बकरा है ये, ठीक है। और अभी इसका वजन कितना होगा? वजन इसका माशाल्लाह 17 किलो होगा, 18 किलो। और मैक्सिमम और मजीद कितना जाएगा वजन? वो वजन तो माशाल्लाह माना इसका हो जाएगा 40 किलो हो जाएगा। 40 किलो हो जाएगा। 40 किलो नहीं हुआ तो? नहीं माशाल्लाह, हम वापसी ले लेंगे। खलाई पलाई होगी तो फिर 40 किलो नहीं हो तो आप कांटा चेंज कर लें हैं? नहीं नहीं, कांटा ऐसा कांटा लेकर आए 40 किलो में जाए, ये वो उसको डाले कुछ ना तो फिर कैसे बनेगा 40 किलो? जब खलाया पलाएगा तो माशाल्लाह बनेगा ना, देखो। अच्छा, आपने क्या खिलाया ये बताएं? आपने क्या खिलाया इसको? इसका दाना होता है। सुनने में आया कि नई कराची की मंडी में लोग ऐसे भी बकरे ला रहे हैं जो मक्खन वक्खन खा रहे हैं। हाँ, खाते हैं बकरे भी, आप खिलाओ, आपके गुजारिश है तो खिलाओ बेटा। मक्खन खिलाते हैं, खिलाओ आपको। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी लेकर आए? ये कमोरी बकरी है, टापरी। टापरी है, टापरी बच्चे वाली। अच्छा, क्या कीमत है इसकी? ये इसका 20,000 रुपया बेटा, फाइनल 20,000। फाइनल 20,000 रुपया बच्चा है इसका, छोटा बच्चा है इसका। किधर है बच्चा? किधर है बेटा? अच्छा, बच्चा भी दिखा दें। और बच्चा दिखाने आए साहब, कल तो गले तो उतार रहे गले। ये बताएं कि ये बताएं दांतों में कितनी है? चार दांतों में। और बच्चे के साथ? 20,000। बच्चे के साथ क्या कीमत है? 20,000 रुपया बच्चे के साथ। 20,000। ये बताएं बच्चे की उम्र कितनी है? ये 15 दिन का। 15 दिन का है। 15 दिन का। अच्छा, ये बताएं कुछ कमी बेशी करेंगे इसमें आप? नहीं, ये 20,000 फाइनल है। मांगने 25 मांग लेंगे आपसे। 20,000 मांगने को तो आप कुछ भी मांग लेंगे। 20,000 बता दिए ना कितने? फाइनल 20,000। अगर कोई आपको 12,000 रुपये दे तो? नहीं होगी। 15,000 दे? नहीं, 20,000 से कम नहीं। 20,000 से कम नहीं है। इसके अलावा? हाँ बस, और कोई? ये वाली बकरी बताएं। ये तो बकरी है ना, ये कटू है, कटने वाली है। अच्छा, कटू है। इसकी कीमत क्या है? ये 12,000 की। 12,000 रुपये की? हाँ फाइनल। दांतों में कितनी? ये 2 दांत है। अच्छा, नस्ल भी बता दें। कामोरी। कामोरी है? हाँ। कामोरी लग तो नहीं रही है, कहाँ से कामोरी है? वो देखो, वो वाली कामोरी है। हाँ, ये टापरी है, ये वाली। अच्छा, ये टापरी है। ये टापरी है वो कामोरी, उसकी कीमत क्या बताइए? वो भी 13,000 की, जोड़ी मर्जी ले लो। ठीक है, नाम बताएं अपना, फोन नंबर। मोहम्मद फारूक। फोन नंबर 03054-24-676। चले, बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। बुरा नहीं मानेगा, मजाक कर रहा है। कोई बात नहीं, मसला कोई नहीं बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, करियर से हैं? शुक्र अल्लाह। कौन कौन से बकरे, ये बकरे हैं, दुम्बे क्या है, क्या लेकर आए हैं आप? ये खा रहा है, टॉप पर रहा है, हर चीज है। सब कुछ खा रहा है, कुछ मीठा नहीं है? सब कुछ मीठे में भी ले आते हैं। कुछ मीठे में भी ले आते हैं। अच्छा, ये बताए कौन सी नस्ल है? देवा का। कौन सी नस्ल है? देवा नस्ल है। ये बताएं उम्र कितनी कितनी है? ये 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना। और मांग क्या रहे आप? एक का 25 मांग रहे हैं। एक का 25 मांग रहे हैं। तो ये बताएं देना कितने? 12,000 का देगा। ये बकरियाँ भी लेकर आए हैं, इन बकरियों के बताएं क्या रेट है? ये 2 दांत। कौन सी है? 2 दांत है। 2 दांत है। नस्ल कौन सी है? नवाब शाह। नवाब शाह। हाँ, देवा छोटा वाला। ये काम हो रही है, काम हो रही है। इसी कीमत? इसका 15,000। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि नस्ल कंफर्म आपको सही पता है ना? यहाँ के पीछे बता रहे हैं सही नस्ल है। नस्ल है, नस्ल है। नवाब शाह बोल रहे हैं। ये देवा नस्ल है, देवा नस्ल। अच्छा, ये बताएं इनकी क्या कीमत है फाइनल बकरियों की? दोनों का? दोनों का 45। और इनके दुम्बे का? दुम्बों का अलग है, उसका 18।
18,000 रुपये। और अभी मार्केट में क्या रेट लगे, किसी ने कुछ बताया रेट? कोई अच्छे रेट दिया? लगा दे कोई, 5 लगा दे। तो दिया नहीं आपने? नहीं दी, 5 में दूंगा। इस महंगाई के अंदर इतनी अच्छी कीमत मिल रही है आपको? फिर 5-6 हज़ार में मुर्गा भी नहीं मिलता। मुर्गा भी नहीं मिल रहा? अच्छा, मुर्गा कितने का? मुर्गे की कीमत ही बता दें। मुर्गा होगा 200 का मिलता है, 300 का मिलता है। आप 200-300 बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं 7,000-5,000। नस्ल वाला नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताए, नाश्ता किया आपने? नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह किया। नाश्ता किया है, चले घर जाके थोड़ा और खा लिएगा। चले नाम बताए, फोन नंबर बताए। शायद फोन नंबर? नंबर नहीं है। नंबर नहीं आपके पास? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बुरा नहीं मानेगा, मजाक कर रहा। ठीक है, जजाक अल्लाह। ए देवा देख, ए देवा का माल किसका माल है? देवा बात बताना है आपने? बताएगा तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? सुनने में मार्केट में लोगों ने बताया कि आप अभी भी घूंगे बने कैमरे को देख के, ऐसी ही है? सच्ची बात है? अरे वो बात करेगा देखा, देखा। ये बताए कौन कौन सी नस्ल है? नस्ल का बताए, कीमत का बताए? विंदर काम हो रही है। अच्छा कीमत बताए इनकी? एक का 12,000। एक के 12,000 रुपए। अच्छा ये बताओ उम्र कितनी कितनी है? ये 3-3 महीने के। 3-3 महीने के। अच्छा अब इनके कुछ रेट लगे? अलग है। कितने रेट लग गए? 10 लगा था, कोई 8 लगा था, कोई 9 लगा था। अच्छा, आपने कितने में बेचना है इसको? 11 के देने। 11 में बेचना है। अच्छा सारे काम हो रही है? काम हो रही नहीं है, विराब काम हो रही है। विराब काम हो रही है। अच्छा जी, चले नाम बता दें, अपना फोन नंबर बता दें मुझे। ये खड़िया पुल पे। नंबर? फोन नंबर? फोन नंबर 0300-35-86-015। अच्छा बात करेंगे ना लोगों से, बोलेंगे घूंगा हो। चले लोगों का ख्याल कीजिएगा, ठीक है, कमी पेशी करिएगा। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह, इंशाल्लाह। ये किसका है? ये भी मुझे है। ये आप कहीं वही रेट है, इनका भी वही रेट है जी। दुम्बो को भी बताने, कौन कौन सी नस्ल है? दुम्बो का लाल काने के ये। अच्छा कीमत क्या है? मेंढे का 1-18,000 बोलते हैं। 1-18,000 11 में देने। अच्छा आप देखे कितने में जाते हैं? आप बोलते तो 18 हैं, देखे कितने में जाते हैं? 11 में, 10 में, 10-11 में दे देते हैं। और अभी इनकी उम्र कितनी कितनी है? इनकी तो कोई कीमत देता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इनकी उम्र कितनी कितनी है? 2-2.5 महीने, 2-2 महीने के, 2.5 महीने के। अच्छा मुझे बताएं आप कहीं से लेकर आते हैं घर के पले में, क्या है? नहीं हम लोग सिंध से लाते हैं, मंडी से लेकर आते हैं। सिंध से ला के यहाँ पे बेचते हैं? हाँ यहाँ पे लेते हैं, बेचते हैं, यहाँ पे ले आके बेचते हैं। अच्छा ये बताएं, अभी इनको दूध पिला रहे हैं? दूध पीते हैं, दाना भी खा रहे हैं, आपके सामने घास वास भी खाते हैं। अच्छा घास वगैरह खाते हैं, दाना भी खा रहे हैं, दूध भी पीते हैं। दूध भी पीते हैं। वैसे देखा जाए तो दूध पिलाना तो अभी जरूरी, क्योंकि छोटे हैं। हाँ जरूरी है। ठीक है, ये बताएं इनका दूध कितने महीने तक चलता है? ये 2-1.5 महीना। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पिलाते? नहीं नहीं नहीं, पिलाओगे सेहत जल्दी सही से सही होगी, अच्छी सेहत। ज़्यादा पिला दे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, फिर महंगाई वैसे ही इसका दर। जजाक अल्लाह, खुश रखे। अच्छा ये भी आपका है? हाँ। इसके बारे में बताएं? ये 7,000 का देना है। 7,000 का देना है। इसकी माँ के साथ था, माँ मर गई गाड़ी में। तो ये बेचारा अभी जो ना यतीम बच्चा है। ना बाप है ना माँ। बाप होगा, माँ मर गई है। बाप का लेकिन पता नहीं है ना? पता है ना, वो जिससे व्यापारी से लेते, उसने बोला हम घर के बेच रहा है इसलिए बेच रहा है। ये बताएं फाइनल कितने में देना है? ये 7,000 का देना है। 7,000 का देना है। चलें बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे जनाब? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कैसा जी। बताएं कौन कौन सी नस्ल के दुम्बे लेकर आए? ये दोस्त दोनों खा रहे हैं, ये लाड़काने की माती है ये। अच्छा प्योर हैं बिल्कुल? असल नहीं है, मतलब पालोगे, मेहनत करोगे, मेहनत जाया नहीं जाएगी। अच्छा ये बताएं क्या मांग रहे हैं आप? दोस्त मांगने के इसके 18,000 रुपये, उसके 26,000 रुपये, इसके भी 18,000 माती के। ठीक है। अच्छा ये बताएं इनकी उम्र कितनी कितनी है? ये सर तकरीबन 2 माह के होंगे, वो बड़ा है 4 महीने का होगा। ये बताएं फाइनल कितने में देना? दोस्त उसके फाइनल 12,000 रुपये हो जाएंगे, उसके 16,000 रुपये, इसके भी 12,000 माती के भी। अच्छा बीमार वगैरह तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, नहीं माशाल्लाह आपके सामने बीमार जानवर इस तरह खाता पीता नहीं आपके सामने। खाना नहीं खाता वो, किस तरीके से खाता है वो? तो मुरझाया होता है, आपको खुद नजर आता है कि बीमार इंसान होता है वो कैसे। अच्छा मुरझा भी जाता है? जाहिर सी बात है, या सुस्त हो जाता है? बात वही है, चाहे मुरझा जाए चाहे सुस्त हो जाए। अच्छा ये बताएं कुछ कमी पेशी करेंगे इसमें? फाइनल है इसके 12 बताएं आपको, उसके जो नहीं 16,000। और अगर कोई आपको 8-8,000 रुपये दे तो क्या सोचेंगे आप? नहीं सर नहीं, चलो सोचेंगे भाई, 18 बोले फिर 17 बोल देंगे उनको। अच्छा ये वाला दुम्बा मुझे थोड़ा यूनिक नजर आ रहा है, वही इसके सिंग जो है घूम जाते हैं टर्न? जी वही है मेंढा, वही है जो लड़ाई वाला होता है ना, झगड़े वाला, वो झगड़े वाला। जी हाँ। अच्छा जी इसके सिंग मुड़ जाएंगे? जी इसके सिंग कब तक आ जाते हैं कम्प्लीट, किस उम्र में कम्प्लीट हो जाते हैं इसके सिंग? 1 साल में। 1 साल में? जी हाँ। ठीक है, मुकम्मल 1 साल में। आप कितने बता रहे फाइनल इसके? फाइनल 16,000 रुपये एक बार। 16,000 रुपये जी हाँ।
चलें अपना नाम भी बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा, 0334-125-4700। अच्छा मुझे ये बताएं, दुम्बे आप कहाँ से लेकर आए, कहीं से खरीद के ला रहे हैं या घर के पले में, क्या है ये? सर हम तो लगते हैं बेचते रहे, हम लोगों का खानदानी काम है। ये सिंध से लेके आए? सिंध से लेकर जी हाँ, काजी अहमद से लेके आए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, जजाकला। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सी नस्ल की बकरी और बच्चा लेकर आ गए? ये कामूरी है। कामूरी है, प्योर है, क्रॉस है ये? प्योर है। प्योर है, क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसके 30,000 रुपये। कितने? 30,000 रुपये। बच्चे के साथ? बच्चे के साथ। अच्छा, ये इसका अपना बच्चा है? इसके साथ मिलाया हुआ है? नहीं, इसका अपना बच्चा। अपना बच्चा है, ठीक है। अच्छा ये बताएं दाँतों में कितनी है बकरी? 6। और बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चा होगा महीने का। महीने का है। अच्छा ये बताएं अभी मार्केट में कुछ रेट लगे इसके? ये 20-22। नहीं दे रहा आप? नहीं। कितने तक में देने का इरादा है? 25 तक। 25 तक में। अच्छा चलें, नाम बता दें, अपना फ़ोन नंबर बता दें। शहजाद। नंबर? 0313-26-73-155। अच्छा दाँत ही बता दें, इसके दाँत कितने? 6 दाँत में। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो व्यूअर्स, ये 30,000 रुपये की बकरी यहाँ मंडी में मिली है, जिसके साथ एक बच्चा भी है, कामूरी नस्ल बता रहे हैं, और कहने प्योर कामूरी है, और बच्चे की जो उम्र बताई है 1 महीना, और बकरी की जो है 6 दांतों में 6 है, 30,000 रुपये बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? जी बताएं कौन सी नस्ल की बकरी लेकर आए? ये टापरी। टापरी है, ठीक है। प्योर है, क्रॉस है? ये प्योर है। अच्छा क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसके बच्चे के साथ 55 मांग रहे हैं। ये बच्चे के साथ है? जी। ये बच्चा इसका अपना? जी जी। 55 मांग रहे हैं। अच्छा बच्चा कौन सी नस्ल है? बच्चा भी बरबरा है। अच्छा जी। अच्छा ये बताएं बच्चे की जो उम्र है क्या है? बच्चे की उम्र ऐसा होगा 3 महीने का है। 3 महीने का है। अच्छा, और ये बकरी कितने दांतों में? बकरी 4 दांतों में। 4 दांतों में, 4 दांत, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि बच्चे के साथ कितने की देंगे फाइनल? फाइनल बिल्कुल 45,000। 45,000 की। और अभी मंडी में क्या रेट लगे हैं? मंडी में तो 35-36 लग रहे हैं। आपने नहीं दिया, आपका क्या इरादा है, कितने तक में देना है? फाइनल 45 तक का इरादा है। फाइनल 45 तक का इरादा है, ठीक है। चले नाम बताएं, फ़ोन नंबर बताएं। शाहजेब कुरैशी है, और फ़ोन नंबर बताना। 0316-63-64-389। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। व्यूवर्स, तो यहाँ पे हमें एक शख्स ने कार्ड भी दिया है, जिन्होंने अभी बकरी दिखाई है, प्योर नस्ल की इनका कार्ड है जो चला रहे हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि आज मंडी जो है माशाल्लाह से भरपूर लगी हुई है, जुम्मे के दिन और इतवार के दिन ये मंडी लगती है। और देख सकते हैं यहाँ पे कट्टू माल भी आता है, नस्ल वाले जानवर भी आते हैं। तो जो भी आते हैं उससे आपको अपडेट करते हैं और फर्दर प्राइस देते हैं कि क्या प्राइस मिलती है हमें बकरियों की। यहाँ पर भी हमें कुछ बकरियाँ नज़र आ रही हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक बात आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी, वो ये कि देख सकते हैं आप लोग, ये रोड का साइड है, यहाँ पर जो स्टार्ट होते हैं सारे बच्चे लेकर आते हैं बकरी के, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बकरे के बच्चे लेकर आते हैं, इसके बाद ये बड़ी बकरी बच्चों वाली बकरी यहाँ पर मौजूद होती है। तो यहाँ पर भी कुछ बकरियाँ मौजूद हैं, आइए यहाँ पर रेट लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, कैसे हैं? अल्लाह करम जी। ये बताएं कि कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ लेकर आए? ये सामुड़ी नस्ल है भाई। कौन सी नस्ल है? सामुड़ी। ये कौन सी नस्ल है? ये सामुड़ी नस्ल होती है, जंगल में होती है, जंगल में। क्या मांग रहे हैं इसके आप? इसके मांग रहे हैं 25,000। 25 मांग रहे हैं। दांतों में कितने? दांतों में 4 दांत। 4 दांत में। अच्छा जी। और इसके अलावा ये वाली पट है, इसके मांग रहे हैं 22,000। दांतों में कितनी है? दांतों में 4 है। 4 दांत में। अच्छा जी, इसके अलावा ये वाली? ये भी 4 पट है। ये भी पट है, ठीक है, भी दांतों में 4 है। अच्छा इनकी कीमत क्या है, फाइनल कीमत बता दें मुझे। फाइनल कीमत भाई, ये बड़ी की 15,000 की, ये बड़ी की 14,000 की, ठीक है, ये बड़ी की 15,000 की, ये 15,000 की, 14,000 की, 15,000 की, और इससे कम कीमत बताएं कि फाइनल और कितने कम करेंगे आप? फाइनल जब सामने आएगा बंदा, निचोड़ दें अपने आप को, कोशिश करें अपने आप को निचोड़ दें, वो सामने आएगा, जब होगी यार, कोई सामने आएगा। चले मैं आपके सामने आ गया, अब अपने आप को निचोड़ के बताएं कितने तक में देंगे। वैसे ही देखा जाए तो कट्टू माल है ना? हाँ कट्टू माल है। कट्टू माल है, 1,000-1,000 रुपये और कम कर देंगे आप। चले ठीक है, नाम बताएं, फ़ोन नंबर बताएं। फरहान। फ़ोन नंबर? 0218-23-27-45-8। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह करम। ये बताएं कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ लेकर आएँ? ये टापरी है, ये पटारा है, ये हिंकी निखारल है। अच्छा प्योर है, क्रॉस है, क्या है ये? ये हल टापरी है। अच्छा, और ये हल पटारा है। अच्छा जी, ये बताएं ये कट्टू माल है या फिर पालने वाला? नहीं है,
ये पालने वाला है, पालने वाला है तो आप क्यों नहीं पाल रहे? जब ये पालने वाला माल है तो आप क्यों नहीं पाल रहे? आप लाके क्यों बेच रहे? खर्चा बहुत है, खर्चा बहुत है। खिलाई पिलाई हम पूरी नहीं कर सकते। खिला तो नहीं भी आप इसको, तो इसकी खिलाई पिलाई हमें महंगी लगती है बहुत। अच्छा, महंगी लगती है? बहुत महंगी लगती है। महंगी लगती है, महंगी पड़ रही है बहुत, बोल रहा हूँ बहुत। खिलाई पिलाई महंगी पड़ रही है ना, इसलिए नहीं पाल रहे। ठीक है। अच्छा ये बताएं देना कितने कितने में? ये देनी है 18 की। ठीक है। ये 20 का देना है। ठीक है। ये 16 की, ये बकरा है, ये पड़े, ये भी मादी है। अच्छा जी जी। दांतों में कितनी कितनी बताई आपने? ये 4 दाँत है, ये 2 दाँत है, ये पूरी है। अच्छा, कमी पेशी करेंगे ना? नहीं, कमी पेशी 1500 का हेर फेर हो जाएगा, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, नाम बताएं अपना। मेरा नाम हबीब। फ़ोन नंबर बताएं? फ़ोन नंबर भाई के हैं, फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन नंबर नहीं पता आपको। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। रिकॉर्डिंग करेगा जी। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मालिक, कौन कौन सी नस्ल की बकरियां लेकर आए? साहब ये लंबी नस्ल की, ये कामोरी। ठीक है। ये काटने वाली है? ये पालने वाली है, काटने वाली। पीतल बकरी है ये। अच्छा, प्योर है? क्रॉस है ये? क्रॉस में। क्रॉस में। अच्छा, दांतों में कितनी कितनी है? 4 दांत है। दांतों में 4-4 दांत है। और देना कितने कितने में? क्या क्या प्राइस? 20,000 तक की दे देंगे। 20,000 तक की? 20,000 रुपए की। और ये 18-18 की दे देंगे। अच्छा, 18-18 की देंगे, 20 की देंगे। अच्छा, इनका वजन कितना कितना है? वजन इसके अंदर है 15 किलो 16 किलो है। ये 15-15 किलो की है। ये 15-15 किलो की? और ये 16 किलो की? 16 किलो की है। अच्छा, और मेरी कोई गुंजाइश है इसमें? बस यही फाइनल हो जाएंगे। चलें ठीक है, नाम बताएं, फ़ोन नंबर बताएं अपना। मोहम्मद आरिफ। फ़ोन नंबर? 03-11-28-46-150। चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। माजरत के साथ, असल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, ये हमारे हैं भाई, हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे बड़े हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी बताएं, कौन कौन सी नस्ल के बकरियाँ लेकर आए? ये टापरी नस्ल के बकरे हैं। टापरी नस्ल के बकरे लेकर आए। दांतों में कितने कितने? ये 4 है, ये 2 है, ये खीरा। अच्छा, वजन कितना कितना है? वजन ये इसके 18 किलो होगा, ये 13 किलो होगा, ये 15 किलो होगा। अच्छा, ये बताएं क्या मांग रहे हैं इनके आप? इन दोनों के 30-30 मांग रहे हैं, इसके 28 मांग रहे हैं। अच्छा, देना कितने में फाइनल? फाइनल बोले भाई, ये 25 का हो जाएगा, ये भी 25 का हो जाएगा। ठीक है, और ये एकदम हो जाएगा 23,000 का। 23,000 का? ये 25 का, ये 25 का, ये 23 का, ये 23। अगर कोई आपको इसके 15-15,000 रुपये बोले या 16-16,000 रुपये बोले, आप देंगे? नहीं भाई, अभी ये जो आपने जिसकी वीडियो बनाई, जो पार्टी गली हुई थी ना, यही मेरे को 16,000 रुपये दे दिए इस बकरे का। नहीं दिया आपने? नहीं दिया। आपका क्या माइंड है, कितने तक में देकर जान छुड़ानी? 25,000। इससे कम में नहीं देंगे। ठीक है, नाम बताएं, फ़ोन नंबर। मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर रहमानी। 03-13-10-7-5-7-1-2। चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। कोई बात नहीं। वो व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हैं सौदा बन रहा है, आइए मालूम करते हैं कितने में सौदा बन रहा है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम, खैरियत से आप लोग? 28 बोले। वालेकुम सलाम। वालेकुम, खैरियत से हैं? कितने लगा दिया आपने बकरी के? मैंने तो कुछ नहीं लगाया अभी। ये कितने बोल रहे हैं आपको? ये तो 28,000 रुपये बोल रहे हैं इसके। 28,000 रुपये बोल रहे हैं। आपका क्या माइंड है? अभी तो माइंड बनाएंगे, अभी हम साइड में मिल के कोशिश करते हैं, बनाते हैं, करवाते हैं आपके लिए। हाथ डाल के उठाओ जी। ये बताएं कि कितने तक में देंगे बकरी भाई? अब जो लगा हुए भाई के ऊपर है, हमने तो बताएं, आप बता दो कितने? बताएं कितने तक में? चले आप 15,000 में दे दें इनको। अल्लाह अकबर, 15,000 रुपये में? अल्लाह के 15,000 में दे दें। 15,000 रुपये में पट कहाँ मिलेगी? ये नस्ल कहाँ है वैसे भी? है तो क्रॉस ब्रीड नहीं, नस्ल है ये? कौन सी, कौन सी नवाज शाह? नवाज शाह की गुलाबी है, और गुलाबी कलर ही नहीं है इसमें। गुलाबी नहीं है, गुलाबी कलर ही नहीं है। ये कौन सा गुलाबी है? ये गुलाबी नहीं है बड़े भाई। नवाब शाह? नवाब शाह की। दांतों में कितने? दो दांत है। दो दांत में। और वजन कितना है इसका? इसका वजन होगा 70-80 किलो। बकरी है? बकरा है? पट है? पट पटे। अच्छा, फाइनल कितने तक में देना है? लगाओ आप भी, लगा दो। लगाए रेट लगाएं, आप टेंशन नहीं ले। 12,000 रुपये अल्लाह के बंदे, बच्चा भी नहीं मिल रहा। 15 में देंगे आप? 15 में राधा? नहीं 15 में खरीद लेंगे वो। नहीं नहीं देखें, अगर 15 में देने का राधा तो खरीद लेंगे। 15,000 रुपये कम है बोले भाई। ये नगम गोश्त दो दांत की नहीं मिलेगी क्या? चलें ठीक है, नाम बता दें, फ़ोन नंबर। रमजान नाम है। फ़ोन नंबर? 03-46-20-16-303। चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। व्यूअर्स यहाँ पे सौदा बनता हुआ नज़र नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो रेट बताए वो 28,000 रुपये बोल रहे हैं, और इनको अच्छी से अच्छी कीमत दे दी 15,000 रुपये, उसमें भी एग्री नहीं है। और कहने को ये कह रहे हैं कि गुलाबी नस्ल है, जबकि इसके अंदर गुलाबी कलर नहीं है।
व्यूअर्स, ये नई कराची सिंधी होटल की बकरा मंडी है। जुम्मे और इतवार के दिन ये भरपूर लगी होती है। यहाँ पे लोग बकरे लेकर आते हैं, घरों से भी लेकर आते हैं, खरीद के सिंध से माल ला के यहाँ पे बेचा जाता है जुम्मे के दिन और खसूसी इतवार के दिन। इसके अलावा ये मंडी जो है पूरे हफ्ते तक रहती है। यहाँ पे आगे अगर हम जाते तो लाइन से शॉप्स हैं बकरों की और यहाँ पे दुकानों पे बकरे बिक रहे होते हैं। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने पूरी मंडी का आप लोगों को सर्वे करवाया था, विजिट करवाया था। ये लाइन से यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, यहाँ पे बकरे आते रहते हैं। दिलखसूस जुम्मे और इतवार को यहाँ पे भरपूर माल आता है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ कि सिंधी होटल की साइड पर यहाँ पर असील मुर्गा मुर्गी भी मिलते हैं। अगर आप लोग इस तरफ देखें तो यहाँ पर असील मुर्गा मुर्गी भी आते हैं। तो ये है सिंधी होटल की साइड जहाँ पर मुर्गा मुर्गी और बकरे वगैरह बिक रहे होते हैं। और इस न्यू कराची सिंधी होटल का साइड है जहाँ पे हमारी टीम विजिट कर रही है, आप लोगों को दिखा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिस्री मुर्गे और असील मुर्गा मुर्गी भी बिक रहे होते हैं, सेल हो रहे होते हैं। ये बताएं अंडे का दर्जन? 350 रुपये दर्जन है, 450 रुपये दर्जन है डबल दर्दी वाले। कौन सा डबल दर्दी वाला? ये वाला, डबल दर्दी वाला। ये कितने का? ये 450 रुपये दर्जन है। सिंगल दर्दी वाला? 350 रुपये दर्जन है। अच्छा, वो भी दिखा दें। ₹280 दर्जन है। 280 रुपये दर्जन है। अच्छा, इसके अलावा मुर्गा मुर्गी बताएं क्या किलो है? मुर्गा मुर्गी 950 रुपये किलो है, 850 रुपये किलो है। 950, 850 और कमी पेशी के साथ 800 रुपये किलो होगी और 900 रुपये किलो होगी। कौन कौन से इसमें? सारे मिस्री हैं? मिस्री 800 रुपये किलो होगी, असील 950 रुपये। अच्छा, ये बताएं असील किधर आपके पास? असील ये खड़े हैं ऊपर। अच्छा, ऊपर ये जो खड़े हैं असील हैं जी। अच्छा, असील के रेट जो है आपने 900 रुपये बोला जी, मिस्री के 800 रुपये जी। तो भी बड़े, इसके अलावा देख सकते हैं सर्दियाँ आ रही हैं, लोग घरों में सूप बनाने के लिए चूज़े भी लेके जाते हैं और यहाँ पर अंडे भी मिल रहे होते हैं, और देसी अंडे, डबल सर्दी वाले अंडे और गोश्त की कीमत भी आपके साथ शेयर करती है। तो ये है व्यूअर्स सिंधी होटल न्यू कराची की साइड जहाँ आप लोग को लेकर आए हैं, विजिट किया है। अब आप लोग हमें बताइएगा कि यहाँ पर फर्दर और मज़ीद विज़िट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह आप लोग फीडबैक में बताइएगा। तो उम्मीद, यहाँ पर हमें एक बकरा और नज़र आया है जो अभी भी मंडी में आई है, इसकी कीमत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब का? यस है जी। ये बताएं कौन सी नस्ल का है? ये गुलाबी क्रॉस है। गुलाबी क्रॉस है, क्रॉस किसके साथ है? अभी हमारे पास नहीं है, जिससे लिए हमारा नहीं पता। अच्छा, क्या कीमत है इसकी? 40। 40 मांग रहे हैं। अच्छा, दांतों में कितने हैं? दो दांत में है। और अभी इसका वज़न कितना है? वजन होगा कम से कम 17-18 किलो के करीब होगा। 17-18 किलो होगा। अच्छा, ये बताएं कि देना कितने में फाइनल? बिल्कुल फाइनल 35। फाइनल 35 में देना। घर का पला हुआ या खरीद के लाया? खरीद के लाया। अच्छा, इसके अलावा और क्या लेकर आए? अच्छा, इनके बारे में बताएं, इनकी क्या कीमत है? इसके 12 हैं, पट के 25 हैं। इसके 12 हैं, इसके 25 हैं, पट के 25। अच्छा, तो ये बताएं कि दांतों में कितने कितने हैं? पट दो दांत की है, बच्चा खीरा है। अच्छा, दो दांत की और ये खीरा है, इस कितने महीने का है? दो या 4-5 महीने का। तो ठीक है, ये कितने कितने में देना फाइनल? फाइनल ये फाइनल 12 का होगा, वो फाइनल पट 20 की होगी। ठीक है, चलें अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। 0324-29-57-507। ठीक है, अपना नाम बता दें। सामा। चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो व्यूअर्स, एक नज़र और मान लेते हैं जहाँ पर बकरी के बच्चे आते हैं। आइए आप लोगों को लेके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई नए बच्चे आए, कोई अच्छी नस्ल के बच्चे आए कम कीमत वाले, वो भी दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे सौदे भी हो रहे होते हैं, यहाँ पे लोग आके देख रहे हैं, सौदे कर रहे हैं आपके सामने, लोग पूछ के जा रहे हैं, रेट लगा के जा रहे हैं। और ये वो बकरे हैं जिनकी हम कीमत आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी कोई नया माल नहीं आया। और यहाँ पर जुम्मे के दिन आते हैं और देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी और सेहतमंद और नस्ल वाले बकरी के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा मकसद ये था कि आप लोग को मंडी से अपडेट करते रहें, आप लोग को दिखाते रहें कि मंडी में किस किस नस्ल के जानवर आते रहते हैं। तो ये हमारा मकसद था। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बकरा मंडी की प्राइस से और एनिमल से अपडेट होकर होंगे। इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे, विजिट करेंगे। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को, लाइक करना ज़रूर
लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है, जब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।